सरिता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। आज उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमी और उद्यमी की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। अब हम बात करेंगे कि उद्यमी किसे कहते हैं। साधारण भाषा में ऐसा व्यक्ति जो उत्पादन संबंधी जोखिम और अनिश्चितता को उठाता है, साहसी या उद्यमी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साहसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो नए रोजगार को जन्म देता है, जोखिमों व अनिश्चितता का सामना करता है, उत्पादन के साधनों को संगठित करता है तथा सामाजिक हित में कार्य करता है। इसके अलावा हम इस तरह से भी उद्यमी को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे एच इवेंस के अनुसार साहसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसे व्यवसाय को संचालित करने के लिए कार्यों का निर्धारण करना पड़ता है। एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार, पीटर एफ डकर के अनुसार, साहसी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तनों की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है और एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। अब हम बात करेंगे कि उत्पादन के कौन कौन से फैक्टर्स या घटक हैं। उत्पादन के चार प्रमुख घटक हैं जिन्हें 4 M's के नाम से जाना जाता है। पहला है मैन अर्थात श्रमिक, दूसरा है मनी अर्थात पूंजी, तीसरा है मटेरियल अर्थात सामग्री और चौथा है मशीनरी अर्थात मशीनरी या उपकरण। इन चारों घटकों के समन्वय या संगठित होने से ही किसी उद्योग को चालू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योग की सफलता का 5वां घटक है अनिश्चितता का वहन। इसलिए जो व्यक्ति इन सभी घटकों में समन्वय स्थापित करता है वह उद्यमी कहलाता है। व्यवसाय में हम देखते हैं कि अनिश्चितता के दौर आते रहते हैं। ऐसे समय में बाजार मांग के अनुसार किसी उत्पादन में वृद्धि या कमी करना, उत्पाद में परिवर्तन करना तथा सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफल उद्यमी कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वरोजगार की आवश्यकता एवं अवसर, कि स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है। आज के वर्तमान युग में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे देश में नौकरी के अवसर बहुत कम हैं। इसीलिए सरकार द्वारा इस प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति स्वयं का अपना रोजगार कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उद्यमिता द्वारा न केवल स्वयं को रोजगार प्रदान करता है बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसलिए सरकार के द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न सहायताएं प्रदान करती हैं। लघु उद्योग मध्यम और निम्न आर्थिक वर्ग की आजीविका का आधार है। इसलिए उद्यमिता विकास योजना के तहत उद्यमी को सभी प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का भी सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे उद्यमी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, अर्थात एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले है निर्णय लेने की पहल एवं क्षमता अर्थात इनिशिएटिव लेना। एक उद्यमी में निर्णय लेने की पहल और क्षमता का होना सफलता की कुंजी है क्योंकि
उद्योग के समय उद्यमी को कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए आवश्यक है कि सही समय पर सही निर्णय लिए जाएं, अन्यथा कई बार अवसरों से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट है सही सोच शक्ति। सही कार्य हमेशा सही सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है, अतः उद्यमी को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या बोल रहा है और उसका क्या अर्थ है, तभी वह अपने उद्योग में सफल हो सकता है। नेक्स्ट सहयोग की भावना। उद्यमी को हमेशा दूसरों को सहयोग करना चाहिए तथा परिस्थितियों से समझौता कर सकने वाला होना चाहिए, अर्थात उसे एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उद्योग में कई बार परिस्थितियों से समझौता करना भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है सजगता और जागरूकता, अर्थात अलर्टनेस और अवेयरनेस। उद्यमी को हमेशा सजग और जागरूक रहना चाहिए और हमेशा मार्केट के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे अपने उत्पाद की वर्तमान मांग के अतिरिक्त नई मांग भी उत्पन्न कर सके। जागरूक रहना भी एक उद्यमी के लिए इसलिए आवश्यक है कि किसी भी व्यवसाय में नित नए परिवर्तन और कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा का जमाना है, इसलिए व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं रहेगा या सजग नहीं रहेगा, वह अपने उद्योग में सफल नहीं हो सकता है, इसलिए उसे हमेशा अवेयर रहना होगा। अगला है अग्रदृष्टि। उद्यमी को हमेशा समय के अनुसार सोचना चाहिए, जिससे ग्राहकों की बदलती हुई मांग को पूरा किया जा सके और पूर्वानुमान लगाकर अपनी पूंजी का सही समय पर व सही कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमेशा समय के हिसाब से उद्यमी को बाजार की बदलती हुई मांग को देखना चाहिए और कंपटीशन के ज़माने में ग्राहकों की क्या इच्छा है या ग्राहक किस वस्तु को चाहता है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन करके बाजार की मांग के अनुसार उसे बाजार में प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वह अपने उद्योग में सफल हो सकता है। नेक्स्ट शक्ति एवं साहस। उद्यमी का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वह मुश्किलों के समय साहस एवं शक्ति के साथ कार्य कर सके, क्योंकि उद्योग में कभी भी उतार चढ़ाव या अनिश्चितता का दौर आता है। ऐसे समय में उद्यमी को साहस के साथ कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है नैतिकता एवं ईमानदारी। व्यवसाय में हमेशा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। उद्यमी को अपने तथा अपने उद्योग की प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ईमानदार रहना नितांत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुण। उद्यमी में सहनशीलता, दयाभाव, मधुर स्वभाव और अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। इसके अंतर्गत अगर ये व्यक्ति किसी पार्लर में काम कर रहा है या ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है, तो उसमें व्यक्तिगत गुणों का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति को अपने पर्सनल और पार्लर हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी वह अपने इस व्यवसाय में सफल हो सकेगा। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। उद्यमी हमेशा जोखिम उठाते हैं, क्योंकि व्यवसाय में अनिश्चितता के दौर आते रहते हैं, परंतु इनके द्वारा लिए गए जोखिम सुविचारित होते हैं। अगला है आत्मसंतुष्टि। उद्यमी आत्मसंतुष्टि को ही प्राथमिक उद्देश्य मानते हैं और उन कार्यों को करना ही लक्ष्य मानकर संतुष्ट होते हैं।
नेक्स्ट है औद्योगिक क्रियाओं को विस्तृत रूप देना। उद्यमी साधनों को एकत्रित नहीं करते बल्कि साधनों को ही एकत्रित नहीं करते बल्कि उपकरणों की स्थापना भी करते हैं, अर्थात और उद्योग में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें संगठित और समन्वित करके उद्योग को विस्तृत रूप देते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र स्वभाव। उद्यमी प्रत्येक कार्य को अपने ढंग से करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अर्थात उनका स्वभाव स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है उद्यमी स्वयं संस्था। उद्यमी स्वयं में एक संस्था है क्योंकि यह विभिन्न संस्थाओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है नवीन परिवर्तन। उद्यमी अपने उद्योग में नवीन परिवर्तन कर सुधारों को जन्म देते हैं क्योंकि उद्यमी हमेशा मार्केट में जो भी नई वस्तु आती है और प्रतिस्पर्धा के युग में अपने पुरानी वस्तुओं में मार्केट की डिमांड के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हैं जिससे कि वह अपने उद्योग में सफल हो सकें। नेक्स्ट है परिश्रमी। उद्यमी असंभव को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं इसलिए परिश्रमी होते हैं। असंभव से मतलब है कि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो उद्यमी को अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने के लिए सही कल्पना शक्ति रखनी पड़ती है और यही कल्पना शक्ति उसके उद्योग को सफल बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है दृढ़ संकल्पी। उद्यमी समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ वे सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है साधन प्रदान करने वाला। उद्यमी उद्योग की स्थापना हेतु सभी जरूरी साधन जैसे पूंजी, श्रमिक, भूमि, उपकरण आदि की व्यवस्था करते हैं और सभी जरूरी सूचनाएं एवं तथ्य उपलब्ध कराते हैं जिससे कि एक उद्यम या एक उपक्रम की सफलतापूर्वक स्थापना की जा सके। नेक्स्ट है नए उपक्रम की स्थापना। विकसित देशों में उद्यमी नए नए उपक्रमों को स्थापित कर औद्योगिक विस्तार करते हैं परंतु हमारे भारत के जैसे देश में जो कि एक विकासशील राष्ट्र है ऐसे में उत्पादन सीमित होते हैं, इस कारण से उत्पादन का कार्य महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। उद्यमी को हमेशा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंट होना चाहिए तभी वह अपने उद्योग में सफल हो सकता है क्योंकि उसे कई बार उद्योग में कई कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और कई अगर उद्यमी आत्मविश्वास खो देगा तो वह अपने उद्योग में सफल नहीं हो सकता है, इसलिए उसे हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है आशावादी होना अर्थात पॉजिटिव होना। ये उद्यमी का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक उद्यमी तभी सफल हो सकता है जबकि वह पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलेगा तभी वह अपने उद्योग में सफल हो सकता है। नेगेटिव अगर सोचेगा तो वह कभी भी अपना उद्योग स्थापित नहीं करेगा। आशावादी दृष्टिकोण के साथ और जो उद्योग वह लगा रहा है उसमें वह ये सोच कर चले कि मैं धन अर्जित करूँगा और इस उद्योग में लाभ अर्जित करूँगा तभी वह अपने उद्योग को सफलतापूर्वक चला सकता है। थैंक यू।